तो प्रधानमंत्री ने आज अटल भूजल योजना को लॉन्च किया और इस दौरान वो विज्ञान भवन में इस वक्त बोल रहे थे। लेकिन आइए एक बार फिर बात करते हैं सीएए की, जिसे लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। वहीं बीजेपी अब सड़क पर कानून के समर्थन में उतर रही है। आज मुंबई में बीजेपी ने सीएए के समर्थन में मार्च निकाला, जबकि भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। तो सीएए के समर्थन और विरोध दोनों में यहाँ पर प्रदर्शन की सूरत दिखाई दे रही है। तो मुंबई से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सीएए के समर्थन में आज हाथ में झंडे और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी। लेकिन वहीं भोपाल की तस्वीर दूसरी थी, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करते नजर आए। तो दो तस्वीरें आपके सामने मुंबई और भोपाल से, एक तरफ समर्थन में आवाज सुनाई दे रही है तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर बुलंद है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी यह ऐलान कर चुकी है कि सड़क के हर कोने तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, लेकिन ये कानून भेदभाव का कानून है, लिहाजा हम इसका विरोध हर स्तर पर करेंगे। लेकिन इस बीच एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर भी अब ऐसा लग रहा है कि सियासत शुरू हुई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस पूरे बिल को लेकर ये कहना है विपक्ष का कि ये एनआरसी का ही पहला कदम है, ये कहते हुए सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में शांति मार्च निकाल रही है। शांति मार्च में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे, उनकी पूरी कैबिनेट शामिल होगी और इसके साथ ही हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर से इकट्ठा हुए हैं भोपाल में। और यहाँ पे ये तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लिए, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का पैदल मार्च होगा जो भोपाल के रंगमहल चौराहे से मिंटो हॉल तक जाएगा और मिंटो हॉल पे महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसके सामने जाकर के समापन होगा प्रोटेस्ट मार्च का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हजारों की तादाद में हाथों में तिरंगा झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और हाथों में इस पूरे कानून के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर के तमाम लोग, महिलाएं, कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ता, सभी लोग आज इस प्रोटेस्ट मार्च में इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। कैमरामैन रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।